करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लोनार झील है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल। ये हमें देखने के लिए मिल जा रहा है कि लोनार झील का पानी जो है वो लाल हो रहा है। काफ़ी तरीके की इसमें बातें जो हैं वो उठकर सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, साथ ही साथ ये ज्योग्राफी का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी एग्ज़ाम्स है जिसमें मेंस राइटिंग के फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस एग्ज़ाम्स में इसके आने के बहुत ढेर सारे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि लोनार झील वास्तव में है क्या। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित जो झील है उसका नाम लोनार है। लोनार एक झील है जो कि मुंबई से 500 किलोमीटर दूर स्थित है, और कहा जा रहा है कि इसका निर्माण जो है वो उल्कापिंड के टकराने से हुआ है और करीब ये 50,000 साल पुरानी है। ये झील जो है फ्रेंड्स, वो पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रही है। हमेशा दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है। वो यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते हैं और अलग अलग तरीके की रिसर्च वगैरह जो रहती है वो अपनी कंप्लीट करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर, उनकी जो दिलचस्पी है उसका कारण जो है वो एक ये भी हो सकता है कि इस झील का निर्माण जो है वो उल्कापिंड के टकराव से हुआ है। तो जो भी वैज्ञानिक वगैरह हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो उपलब्ध हैं, या फिर वहाँ पर जो वातावरण है, या फिर वहाँ के जो भी एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, या फिर वहाँ के जो पत्थर है उनका निर्माण किन चीज़ों से हुआ है। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर अक्सर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस झील का जो व्यास है वो 1.2 किलोमीटर है, और झील के पानी की रंगत बदलने से स्थानीय लोग तो परेशान है ही हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, वहाँ के जो प्रकृतिवाद हैं और वैज्ञानिक जो दुनिया भर के हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि झील का अचानक से रंग जो है वो लाल कैसे हो गया, या हल्का गुलाबी कैसे हो गया। तो ये जो लोनार झील है वो झील जो है अधिसूची राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक भी है, और इस झील के जो रंग बदलने का कारण है वो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया है कि वहाँ पे जो शैवालिक प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पानी में जो लवणता की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिसर्च में हमें ये भी पता चला कि पानी के 1 मीटर नीचे जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो पानी में लवणता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो हमारा बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण जो झील के पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है, जिससे जो झील में खारापन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे शैवालिक प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, और इसी के कारण इस झील का पानी जो है वो लाल है। करंटली वो लोग यही बता रहे हैं कि इस झील के पानी लाल होने का मुख्य कारण यही है, और इसके आगे जो जांच है वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, वो इसके बारे में आगे जांच कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या हमें पता चलता है। और फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ऐसे पहले भी ईरान में एक झील थी, वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा लाल हो गया था क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया था। वहाँ पर भी लवणता की मात्रा जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसके कारण वहाँ का पानी जो था वो लाल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।